आज हमने बकरी की कलेजी बनाई है और साथ में मूलियाँ रायता और बस ये अब गरम गरम खाना खाने लगे। चलो गुलाम सेन इसका टुकड़ा ले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग जी। आज हम लोग ज़रा बाहर आउटिंग पे जा रहे हैं और बीबी पाक दामना सलाम करेंगे, बच्चों को लेकर चले हैं तो आपको भी चलते हैं लेकर साथ। और आज मछली मार्केट का भी विज़िट करेंगे, फिश लेकर आनी है तो लाहौर की मछली मार्केट भी आपको दिखाते हैं। चलते हैं, कोनेनली भी जा रहे हैं हमारे साथ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर्दी को एंजॉय कर रहे हो? अभी तकरीबन रात के 10 बज गए और देखते हैं सर्दी का क्या हाल हमें। वेरी गुड, ठीक है, हम जा रहे हैं। हम लोग बीबियाँ पाक आ गए, तामीर की वजह से आज फिर बंद ही है माशाल्लाह। अंदर से रोज़ा बहुत खूबसूरत बन गया, इंशाल्लाह फिर आएंगे इस काम करने। क्या ले रहे हो सर? मैं कड़ा देख रहा हूँ अपने लिए, मेरा पहले वाला जो कड़ा था ना वो गुम हो गया। पितल के अच्छे होते हैं ये, देखो ये देखो मेरे ने उन्होंने ना ले हां जी देखो हां जी चलो भी ले। अमित सोच भी जा रहे हो? हां नहीं लेता, अब मेरा पहले रहा, ओ मैं वापस आ रहा। अमित सोच दे सो कौन से मारा ट्राई करना है आपने? हसन चाहिए हां कौन थोड़ा सही लग गया। हाँ ये भी अच्छा मम्मा। हाँ ठीक है। 100 जी अभी हमें लगे मिले बीबी के रोटी पे आए हैं तो स्टॉल करने लगा रहते हैं खाते स्टॉल लगा अरे जी वेदा पाई अरे मेरी अज लंगर कर ले मौला हुसैन का, लंगर चल रहा है, सदा चलता ही रहेगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह से हमने लंगर कर लिया है और बीबी पाक दामना के रोज़े पे जब भी आते हैं हर बल्ले की अपनी नियत होती है और मैंने जब भी दिल में कोई उम्मीद की है वो मेरी पूरी हुई है। अभी मैंने आते हुए कहा कि काश चने वाले चावल मिल जाए लंगर के और माशाल्लाह से बीबी ने हमें दे दिए। पहले भी मैं एक दो दफ़ा ऐसे आके कभी सोचा है दिल में तो वो न्याज हमें उधर ही मिल जाती है। मौला सबकी दिल की मुरादें पूरी करे और बड़े जो अल्लाह के वली है बीबी पाक दामना माशाल्लाह हम लोग जब भी यहाँ आते हैं जो भी मांगते हैं हमें मिलता है और हर किसी का अकीदा है ये हमारा अकीदा है माशाल्लाह से। तो बस आप भी लंगर कर लिए आप चलते हैं मछली मार्केट, वो आपको विजिट करवाते हैं और मछली खरीदते हैं। कोई सर आए थे
पार्लर आ गए, यहाँ से आइसक्रीम खाते हैं। माँ नूर ने और फिजा ने गोलगप्पे खाने। आ जाओ सारे, आपने क्या खाना है कासिम? आइसक्रीम। आइसक्रीम खानी है सर्दी में? हाँ, मैं भी आइसक्रीम ही खानी। कौन सा फ्लेवर लेना है? इधर मैं ये देखते हैं ना, चॉकलेट नहीं है बेटा। और ये इनके लिए गोलगप्पे बन रहे हैं। आपने कौन सा फ्लेवर खाना है? चॉकलेट। वो है ही नहीं, वो कह रहे हैं चॉकलेट और पिस्ता फ्लेवर खा लेते। पिस्ता फ्लेवर नहीं खाना। ये जी गोलगप्पे आ गए, मानूर भी रेडी हो गई है, फिजा भी रेडी हो गई है। आपने आइसक्रीम खानी है? हाँ, मैं वैसे बैठा था। चलो मानो ट्राई करो, बताओ कैसे। ओके, चलो ट्राई। देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। नहीं, आपने क्या खाना? मैंने आइसक्रीम खानी है। मीठी चटनी भी डालो। मजे के। चलो फिजा आप भी खा लो। आप भी खा लो। ये जी पिस्ता फ्लेवर आया, अब ट्राई करके देखो कौन सी सही है। चलो जाओ। ये तो सही है। पिस्ता भी बेस्ट है। सुबह ये जी हम मछली मंडी आ गए, चलते हैं आपको भी दिखाते हैं, विजिट करते हैं और देखते हैं कहाँ से ये देखें जी गाड़ी में से मछली अब उतर रही है। ये है ताजी ताजी मछली। माशाल्लाह से कितनी ज्यादा है। ये इस ट्रक में से उतर रही है। ये जी हमने सारी ले ली है, 10 किलो फिश। ये लाल साहब ने सारी पसंद की है। अगर मामू को पसंद नहीं आई ना तो आपका मैंने बताना है कि आपने पसंद की है। मेहनत इतनी की है, चुन चुन के पकड़े हैं दाने। बोले अभी वाली हमने फिश ली है, अब ये बनती है तो फिर आपको दिखा। नहीं आपने नहीं बनाई। ये फिश अब साफ हो रही है। कसमर आप सीख रहे हो? मुर्गे सीख रहे। फिश बनाना सीख रहे हो? सही से बनानी है भाई आपने। ये फिश बन गई है खाना मंडी और वो हमने चिड़ा मछली। ये भी यहाँ पे बन गई है फिश। वो कह रहे हैं चिड़े मच्छी में सिर्फ एक घंटा शॉप पर ही बता रहे हैं मच्छी भी बता। और ये मछली के सिरे हमने सब अलग करवा दिए हैं, इसका अलग से सालन बनाया। टेक करने वाली चीड़ा। हाँ जी, ये कासिम की फरमाइश पे ली है। टेक करने वाली चीड़ा। चीड़ा नहीं है चीड़ा। कितनी ज्यादा फिश है ना, ये बहुत ज्यादा और बड़ी भी है फिश। ये दिखाओ नीचे भी है। बर्फ देखो, बर्फ। जी लाल भाई, जी भाई, ये भी फिश तैयार हो गई है, बन चुकी है। और हमारी कुल्फी जम गई है, बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है। वहाँ पे देखिए कितनी ज्यादा बर्फ है। मेरी फेवरेट है। बहुत ज्यादा ठंड फील हो रही है। ये वाली और सब चलते हैं गाड़ी में। ये मछली आ गई है तो
खा ली है रात में। बोटी मम्मा इधर लहसुन छील रही है। बोटी पाई पा रहे कर। पापा इधर खाना खा रहे। ये अब मसाला लगाने लगे वो देखे। हाँ जी अब ये लहसुन लगा के रखेंगे ना फिर इसको वॉश करेंगे फिर मसाला लगाएंगे। ये जी अब पानी आ गया है लहसुन के पानी में हमने भिगो के रखा था। अब इसको धो रहे हैं मसल के फिर इसको मसाला लगाते हैं। और क्या खाने में मजा आना है ये खा के तसव्वुर ने बताना है और मेहनत करके खाने में ज्यादा मजा आएगा। बिल्कुल कल से पकड़ के लाया मछली। सरसों के तेल में इसको फ्राई करेंगे। आपने ऑयल भी लेकर आना है दही भी। ओके ये इसमें डालते हैं गरम गरम। ओ पकड़ी भूल। आप क्या देख रही हो? लाइव देख रही हूँ। मसाला आपने लगाना है। तू सिर्फ खान वास्ते ही दुनिया ते आई है करना कुछ भी नहीं। ये है चिड़ा मच्छी। चिड़ा मच्छी ये भी खा के आपको बताएंगे कैसा है टेस्ट इसका। इतनी ठंड में गर्म पानी में भी नहीं आता। ये शाही खानदान से है। आप भी शाही खानदान से हो। मछली की वैसे बारबेक्यू पार्टी ना करते हम लोग। बिल्कुल इसीलिए तो लाए हैं वरना इतनी ज्यादा क्या करते। चलो धोते मसाला लगा के फिर आपको दिखाते हैं। सर्दी इतनी ज्यादा है गैस का ये आलम है कि आ नहीं रही और ये चाय बनने के लिए हमने रखी हुई है। बच्चे सब फ्रेश हो गए नाश्ता कर लिया है सबने। नाश्ता कर रहा है? ओके। ये जी छोटा कासम और इसका छोटा भाई भी आया है। शिलो ठंड है भाई बहुत ज्यादा बच्चों सर्दी से बेटा बच्चों। ये जी मुझे ओके क्या हाल है मुझे ठीक हो जी। माँ जी शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए? शुक्र है अल्लाह का। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं? खैरियत से सब लोग। हाँ जी अभी जनाब निकल रहे हैं जरा एक जश्न है मौला का मुर्शिद का जश्न है उधर ड्यूटी है तो एक बच्चा भी उधर स्टूडेंट करना है और ये अभी आपको एक गाना सुनाने लगा मुझे। हाँ जी चाय बन गई है जी। जब चाय पीने लगे साई जी जा रहे हैं उसके बाद फिर हम लोग फिश बनाएंगे बच्चों को फिश देंगे। अभी नाश्ता वगैरह हो गया इजी हो गया ना जरा फिर आपको भी दिखाते हैं। रात को मैंने मसाले लगाए थे लेकिन मैं क्लिप बना दिखाना भूल गई थी बनाना तो अब आपको दिखाऊंगी फिश बना के कैसी बनी है। हाँ जी पापा चाय चाय तो जरूरी है भाई सर्दी में चाय के बगैर वाली चाय। ओके फिश हमने जो सुबह धोई थी उसको मैंने मसाला लगा दिया था
ये क्लिप बनाना मैं भूल गई थी। फिश अगर बच्चों को पसंद आई और आपको देखने में अच्छी लगी तो आप कमेंट में बताना, मैं आपको इसकी रेसिपी बताऊंगी। वैसे इसमें हमने मसाले डाले हैं, नींबू भी डाला है, दही भी डाली है, अजवाइन, अदरक, लहसुन, जो बेसिक होते हैं मसाले। अब इसको फ्राई करते हैं और बच्चों को देते हैं, देखते हैं इनको पसंद आती है कि नहीं। ये सरसों का ऑयल लिया है, सरसों के ऑयल में ज़्यादा मज़े की फिश बनती है। हमने दूसरा पीस डाल दिया है, वो फ्राई हो गया। अब ये बच्चे खा के बताते हैं कैसा बना है। बहुत मजा, शक्ल से तो बड़ी अच्छी लग रही है, बहुत मजा। देखिए बिल्कुल बाजार की तरह उसकी शक्ल हुई है, बाजार से भी अच्छी है। टेस्ट कैसा है? टेस्ट एंड किस्म का, पूरा और खाने ना, नमक ज्यादा ना कम। बस अब मैं ये गरम गरम बनाऊंगी और बच्चों ने खानी, एंजॉय करना है। आप ऐसे भी पूछ लेना इनसे, आपके काम आएगी कसम से। ये चिड़ा मच्छी जो हम लेकर आए थे, ये भी फ्राई हो गई है, अब बच्चे खा के बताते हैं। तो सबर बताओ, ये तो उससे भी ज्यादा मजेदार है अगर वो मच्छी से। चिड़ा मच्छी ये अब करते हैं टेस्ट। इसमें बंद करना भी नहीं होता। ये थी आज बच्चे घर में, तो बस इनकी फरमाइश पे ये फिश भी खाई इन्होंने, अब ये पिज्जा मंगा लिया, तो बस पिज्जा खाते हैं। चलो पकड़ो, चलो चलो जल्दी हो जाओ सारे, अपना अपना पीस पकड़ो। खाने ये कल हमारे साथ, ये देखे हम भी खा रहे, गौर से देखे, बड़ा मजा आया मच्छी का, रोहू मच्छी बीच में चिंगा मच्छी भी। अरे कहना क्या चाहते हो? वाओ, ये नई मछली आई है, झींगा मच्छी। ये आप, इसका क्या नाम है? पिज्जा हॉट। अच्छा अच्छा, हॉट पिज्जा हॉट। अच्छा जी, तो आज हमने बहुत इंजॉय किया मछली को, क्या मजा आया था। मामा ने बनाई थी मछली और पिज्जा भी इंजॉय किया। और ओके हमने आज बहुत इंजॉय किया और आपको भी देख के मजा आया होगा, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।